कोरोना के इलाज का दावा करने वाली दवा कोरोनिल लॉन्चिंग के साथ ही विवादों में आ गई है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक सरकार ने सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने तो विज्ञापन तक पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य औषधि विभाग ने तो अप्रूवल को लेकर बाबा के दावों की हवा ही निकाल दी है। रही सही कसर राजस्थान सरकार ने पूरी कर दी। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने रामदेव को जेल में डालने तक की धमकी दी है। फिलहाल तो बाबा की बूटी पर विवाद गहराता जा रहा है और कोरोना की दवा के दावे का सच क्या है, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार होगी। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में हाय तौबा मची है। वैक्सीन के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में पसीना बहा रहे हैं। लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव के दावे ने सबको हैरान कर दिया। आयुर्वेदिक औषधि कोरोनिल को कोरोना की रामबाण दवा बताने का दम भरा गया। इस दावे पर खुद सरकार को ही एतबार नहीं। उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पतंजलि फार्मेसी को इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने के लिए अनुमति दी गई है। कि आयुर्वेदिक मंत्रालय ने तो जो लाइसेंस दिया है वो केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, उसको प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए कर दिया है। इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। बाबा की बूटी के प्रचार प्रसार पर आयुष मंत्रालय ने भी रोक लगा दी है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक का कहना है कि नियम के अनुसार पहले आयुष मंत्रालय में दवा को जांच के लिए दिया जाना चाहिए था। हाँ, बहुत खुशी की बात है, एक नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो कोई जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है, इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, यही तो मुद्दा था। और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटनी करके उसका ये करेंगे। जबकि कोरोनिल को लॉन्च करते वक्त बाबा रामदेव ने जोर शोर से ये दावा किया कि कोरोनिल के लिए सरकारी एजेंसियों से मंजूरी ली गई है। सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया। रामदेव के रामबाण पर राजस्थान सरकार ने भी सवाल खड़े कर दिए। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तो इसे गैर कानूनी बताते हुए रामदेव को जेल में डालने की धमकी तक दे डाली। हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियली, मैंने भी टीवी में देखा है जैसे देखा है, लेकिन अगर यहाँ बिकती हुई कहीं नजर आ गई दवाई तो आप समझ लेना उस दिन बाबा रामदेव जेल में हुआ। कोरोना के इलाज का दावा अपनी जगह पर है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बनी कोरोनिल फिलहाल विवाद बूस्टर का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने सुन लिए तमाम दावे जो किए गए थे, लेकिन अभी भी विवाद पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अमित पुरी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ अब्दुल हाफिज गांधी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। विश्वनाथ कुंवर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और डायरेक्ट डॉक्टर अजीत गौरेला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पूर्व डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वीरेंद्र प्रोफेसर हैं जो
हेड कोविड ऑफिसर हैं केजीएमयू के, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहले रामानुज आपके पास आ रहा हूं मैं, पतंजलि की तरफ से अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, क्या आपके पास अहम जानकारी है? रामानुज आप सुन पा रहे हैं मुझे? रामानुज आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं रामानुज से अपडेट लूं, उससे पहले अमित पुरी जी सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आयुष मंत्रालय खुद ही इस बात को खारिज कर देता है कि हमसे परमिशन तो किसी और चीज की ली गई थी और दवा बना दी गई है किसी और चीज की। देखिए, मैं स्ट्रेट अवे जितना समझ पाया इस टेक्निकल इश्यू को वो आपको मैं रखने की कोशिश करता हूं। ठीक। देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन कॉन्सोनेंस विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच आर प्रोमुलगेटेड इन इंडिया, यानी भारतवर्ष में कुछ कानून आयुष के संदर्भ में लागू हैं, ड्रग कंट्रोल एक्ट से लेकर के, और कुछ स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं, और उनके अंदर एक सेट प्रोसीजर है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए क्या करना है, एसओपीज लेट डाउन है, और उसके बाद क्लिनिकल स्टडी के अवसर पर क्या करना है, और क्लिनिकल स्टडी में भी भारतीयों पे करने के बाद गैर भारतीयों के ऊपर जिन्हें मल्टीपल डिजीजेस हैं उन मल्टीपल डिजीजेस के अफेक्ट क्या होंगे, और इसी तरीके से इस दवा के साथ, आयुष की दवाओं के साथ साथ अगर बाकी की दवाएं ली जाती हैं तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि ये केवल लक्षण पर आयुष की दवाएं बेस्ड नहीं होती आयुर्वेदिक, ये वातावरण पर्यावरण इन सारे मुद्दों पर भी बेस्ड होती है, इसके एक सेट प्रोसीजर्स और एसओपीज है। अब इशू क्या है, जो मेरी समझ से जहां तक का इशू है, अभी इसकी बोनाफाइडी पर कि ये दवा कैसी है, कितनी क्षमता की है, माइल्ड लोगों पे ट्राई की गई, नॉर्मल्स पे ट्राई की गई, या न्यू नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए, या सीवियर पेशेंट्स पे ट्राई करने पे इनके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये सब तो मैटर ऑफ रिसर्च है जो एक्सपर्ट्स करेंगे, पॉलिटिकल फेसेस का, चाहे मैं हूं चाहे बाकी के पॉलिटिकल फेसेस हो, उनका इसमें बहुत दखलंदाजी नहीं है। लेकिन जहां तक एस्टेब्लिश्ड बात आई है, इम्यूनिटी बूस्टर्स तमाम सारे हैं, और ये भी सही है कि हर्ड इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बूस्टर से कोरोना के अंदर सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में कुछ रिजल्ट्स आते रहे, लेकिन जो लेट डाउन प्रोसीजर्स थे वो पतंजलि ने इस केस में फॉलो नहीं किए हैं, किन्हीं कारणों से नहीं किए होंगे, तो इसलिए हम दवा की बोनाफाइडी पे तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक प्रोसीजर्स का सवाल है, उन प्रोसीजर्स के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो ओमिशन हुआ हो या कमीशन हुआ हो, लेकिन प्रोसीजर्स पूरे रूल्स जो लेट डाउन है वो फॉलो नहीं हुए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक एट लार्ज के हेल्थ के पैरामाउंट इश्यू के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इन कोविड सिचुएशन स्पेशली। जी मैं आपके पास लौट रहा हूँ, डॉक्टर अजीत गौरेला इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग में पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं, वो हमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अजीत, सवाल यही होता है, एक तरफ बाबा रामदेव दावा करते हैं कि हमने कहां कहां से कितना कितना अप्रूवल लिया है, दूसरी तरफ उत्तराखंड का आयुष मंत्रालय कहता है हमने तो ऐसा कोई भी लाइसेंस नहीं दिया, हमने तो सर्दी जुकाम बनाने की दवा के लिए लाइसेंस दिया था या इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया था, फिर ये दवा तैयार कैसे हो जाती है, क्या इसकी देखरेख नहीं की गई? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस एक नया वायरस है और अभी इसका पूर्णतया अध्ययन नहीं किया गया है, ये हमें नहीं मालूम कि इसका वायरस का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी दवाएं इस पर असर करेंगी। अभी तक जो कुछ चल रहा है ये स्पेकुलेशन और अंदाज के आधार पर चल रहा है, कभी बात सामने आती है कि आप प्रोटीन खाएंगे ये तो आपका ज़्यादा आप ठीक हो जाएंगे, कभी बात चलती है कि आप एजिथ्रोमाइसिन खाएंगे तो ठीक चलेगा, बीच में आपने सुना होगा कि काफ़ी कुछ बात कही गई कि हाइड्रोक्सीक्विनोलिन से ठीक हो जाएंगे, तो ये करीब करीब जब तक आपको वायरस का बीमारी का पूर्णतया इसकी स्टडी नहीं हो गई तब तक ये कहना जल्दी बात होगी कि हम इसका इलाज ढूंढ लिया है। अब इसमें कोई दवाई की जो प्रक्रिया चलती है वो ऐसे चलती है कि पहले हम वायरस की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि वायरस है क्या, फिर लैब में ट्रायल्स होते हैं कि ये आप किस तरह से कौन सी दवाई इस वायरस के ऊपर एक्ट करेगी, तो मेनली जो इस पे दवाई एक्ट करेंगी वो एंटीवायरल ड्रग्स एक्ट करेंगी,
और इनमें से जो भी ड्रग्स आपको बताई जा रही हैं ये एंटीवायरल तो इनमें कोई है ही नहीं। ये सारी ड्रग्स जो आ रही है वो या तो इम्यूनो बूस्टर्स आ रही हैं या जनरल आधार पे आपको प्रोटीन दिया जाता है, आपकी रेजिस्टेंस सख्ता बढ़ाने के लिए दी जाती है। अभी कुछ एंटीवायरल ड्रग्स भी आई हैं, लेकिन उसके लिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जब तक पहले लैब ट्रायल्स होंगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगी, और क्लिनिकल ट्रायल्स के आधार पर निश्चय होगा कि वाकई में ये दवाई इफेक्टिव है कि नहीं। अभी हो क्या रहा है कि हम तीन तरह के सिम्टम्स हमारे पास केसेस आते हैं। एक केस तो वो है जिनको कि वायरस का इन्फेक्शन हो गया, जानकारी चाहता हूं सिम्टम है ही। मैं ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूं मैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाई बनाई जा रही है, वायरस की कंडीशंस को समझा जा रहा है, लेकिन सर्दी जुकाम बनाने का जैसा आयुष मंत्रालय ने कहा कि लाइसेंस दिया गया, दवाई तैयार हो जाती है, दवाई पूरी तरीके से पैक्ड हो जाती है, नाम डिसाइड हो जाता है, इतनी सारी चीजें हो गई और आयुष मंत्रालय को खबर तक नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वास्थ्य विभाग को खबर तक नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कोई जो प्रक्रिया की जो कमी है वो रही। उसमें अगर आपने दवाई बनाई थी, आप दवाई बना रहे हैं, तो आपको उसको परमिशन लेनी चाहिए। आपने दवाई बनाई तो आपको उसको ड्रग अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी चाहिए थी, और ये जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो इसको सर्टिफाई करते कि वाकई में ये दवाई काम करेगी। और सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि हमने इम्यूनो बूस्टर बना दिया, हमने हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा दी और हम कोरोना से मुकाबला कर लेंगे, तो अपने आप में जल्दबाजी होगी। कई बार हम विश्वास पे काम करते हैं कि ऐसा होगा ये, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास नहीं होती। जब तक हम जिसकी दवाई का एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल के बाद प्रूव न कर दे कि ये दवाई वाकई में इफेक्टिव है, तो ये जल्दबाजी होगी। बिल्कुल डॉक्टर जी, जल्दबाजी होगी क्योंकि ऐसे दवाई नहीं बनाई जा सकती ना दी जा सकती है, पहले पूरी परमिशन ली जानी चाहिए। लेकिन दावे जो किए गए हैं वो आप खुद सुन चुके हैं, कहा गया है कि हमने सारी परमिशन ली गई। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामानुज, मैं उनके पास जा रहा हूं, आप सभी के पास मैं लौटूंगा, क्योंकि रामानुज हमें जानकारी दे रहे हैं पतंजलि की तरफ से अब क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ अभी तक कहा गया है, क्या इस पूरे प्रकरण के बाद रामानुज पतंजलि की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तो उत्तराखंड का आयुष मंत्रालय भी इनकार कर चुका है कि हमने परमिशन नहीं दी। इस पूरे मामले में जो हमारे पैनलिस्ट हैं, और चूंकि वो कई डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और या आप कहें कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें क्या होना है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है वो भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है, इसीलिए जी मीडिया उत्तर प्रदेश इसको उठा भी रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक इसमें उत्तराखंड आयुष विभाग की तरफ से नोटिस देने की बात कही जा रही है, एक पॉइंट ये है। और जिस तरह से आयुष मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ही परमिशन दी गई थी, तो ये दवा कैसे बनी, एक। दूसरा ये है कि केंद्रीय मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने ये भी कहा है उत्तराखंड सरकार से कि ये पूरा जो मामला है, किस तरह के परमिशन दी गई, इसका पूरा जो दस्तावेज है, जो जानकारी है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराई जाए, तो उत्तराखंड आयुष विभाग पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्रालय को भेज रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि आखिर पतंजलि की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं सामने आया है जिसमें ये बात साफ हो सके कि आखिर में ये जो दवा बनाई गई इसका क्लिनिकल ट्रायल किस बेसिक पर किया गया और किस राज्य से इसकी परमिशन ली गई है। चूंकि आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने भी यही बात कही है कि आखिर कहीं से भी अगर पतंजलि ने इसकी परमिशन ली किसी दूसरे राज्य से, तो उसकी जानकारी उत्तराखंड सरकार को देनी थी, क्योंकि दवा का निर्माण उत्तराखंड से हो रहा है और वो भी हरिद्वार में। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी एक तरह से प्रदेश सरकार को भी होनी थी। तो ये तीन पॉइंट है जिसमें दो तो क्लियर हो चुका है, एक नोटिस देने, दूसरा यहाँ की सरकार केंद्रीय आयुष मंत्रालय को पूरी जानकारी दे रही है। रामानुज, एक बात है, यही है कि आखिर इस पूरे सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आज हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और पतंजलि का पक्ष जो कल तक आए थे सामने वही हमारे पास है। आज के मसले पर जब आयुष मंत्रालय ने पूरी बात रखी है उसके बाद कुछ कहा गया है पतंजलि की तरफ से और नहीं कहा गया, कि सबसे बड़ा सवाल यही कि क्यों नहीं कहा जा रहा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल भी है और सब इसे जानना भी चाहते हैं प्रदेशवासी, देशवासी, कि अगर दवा बनी है तो उसका किस तरह से ट्रायल हुआ है, कितनी वो इफेक्टिव है और कैसे वो इस्तेमाल की जा सकती है। ये तमाम ऐसे बातें हैं जिसको लेकर के एक बार अगर पतंजलि की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा तो भी ये बात क्लियर हो पाएगी। जी,
मैं आपके पास लौटता हूं रामानुज, कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, सीधे रुख करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र का जो कि केजीएमयू से जुड़े हुए हैं और वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से अभी तक केजीएमयू में इलाज चल रहा है। एक दवा मार्केट में आती है, आपको लगता है जो दावे किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से उन दावों को एक तरफ रख दिया जाए और आयुष मंत्रालय ने जो कहा है कि हमसे परमिशन नहीं ली गई है, इसमें बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये तो वही बात हो गई कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की जा रही है। कोविड एक बहुत बड़ी समस्या है और ये अभी इरप्ट होके आई है और ये जो वायरस है ये बिल्कुल नया है और अभी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है और शोध किसी दवाई का अगर होता है तो उसमें बहुत समय लगता है और अगर कोई दवाई क्लेम करता है कि ये दवाई काम कर रही है तो वो क्लेम किस बेस पे है। क्लेम होने के लिए कुछ रिसर्च प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आयुष मंत्रालय से भी होते हैं, ICMR भी उसमें इन्वॉल्व होता है। कोई भी दवाई बनाने से पहले उसका एक प्रोटोकॉल बनता है, हाइपोथेसिस होती है, उसके क्लिनिकल ट्रायल बनते हैं, एथिकल कमेटी से उसकी परमिशन ली जाती है, उसके बाद सैंपल साइज बनाया जाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल में आती है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, मगर जब ST को एपिडेमिक आ रही है तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया थोड़ी छोटी हो सकती है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के रूल्स के तहत जो DCGI कर सकता है या फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस को रिलैक्स कर सकता है, मगर ये रूल्स फॉलो होने ही हैं और ये रूल्स इतने इजी नहीं होते हैं। कोई भी चीज, कोई भी दवाई बनती है क्योंकि वो मानव शरीर से इंसान के लिए बन रही है, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे देखे जाते हैं, कमिटीज होती हैं, डिसाइड करती हैं और इसमें जो भी रिसर्च प्रोटोकॉल और गाइडलाइन होती है एज पर ICMR और एज पर आयुष मंत्रालय, वो जब तक फुलफिल नहीं होगी तो किसी दवाई को हम ये नहीं कह सकते कि ये दवाई इसके लिए काम आ सकती है। सर, मेरा यही सवाल आपसे है कि जब इतनी सारी जो जांच है उससे गुजरना होगा एक दवाई को, तो फिर कैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी कंपनी है पतंजलि वो इस दवाई को लॉन्च कर देती है? हमारा सवाल यही है, क्या कानो कान किसी को खबर नहीं हुई? ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई दवाई अगर कोई कंपनी रिसर्च एंड R&D में जा रही है तो सब पेपर सबमिशन होते हैं, बहुत बड़ी से पेपर सबमिशन होते हैं, DCGI के साथ कई बार और ICMR के साथ बैठ के बातें होती हैं, उसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देना पड़ता है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो आपको दोबारा जाना पड़ता है और इसके साथ एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता है, पूरा R&D का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट पूरा ये तय करता है, उसके मानक होते हैं, अगर वो मानक पे खड़े नहीं होते तो DCGI और ICMR इसके परमिशन ही नहीं देगा आपको और एथिकल कमेटी ही आपको नहीं करेगी। इसके लिए सैंपल साइज होता है, किस पे आप शोध कर रहे हैं, ये शोध पहले कहां हो चुका है, जैसे कि हमारी एंटीवायरल ड्रग्स, कई सारी ड्रग्स है इस समय कोविड के लिए जिसमें कि रेमडेसिविर वगैरह है और कई पहले रोपिनावीर और अलग दवाइयां थी जो कि अलग अलग कंट्रीज में चल रही है, इवन कुछ दवाइयां रशिया में, चाइना में, अमेरिका में फेज 4 ट्रायल में भी है। अगर वो आज हिंदुस्तान में हम लाते हैं तो हमें फिर से कहानी शुरू करनी पड़ेगी फेज 1 ट्रायल से, उसको पूरा हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, पूरा प्लेट बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि स्ट्रेट अवे दवाई को आप लॉन्च करना किसी को, अनलेस अंटिल अगर उसका R&D हुआ है। सवाल यही है, सब कुछ है प्रोफेसर साहब, सवाल अब यही उठता है कि किस तरीके से, डॉक्टर अजीत ने भी हमें बताया कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उन पर खरा उतरना होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो किसका दावा सही है? क्या पतंजलि का दावा सही है या फिर आयुष मंत्रालय कह रहा है कि हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है? दोनों ही तरफ से दिक्कत अभी तक सामने आई है। मैं आपके पास डॉक्टर वीरेंद्र मैं लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं कुछ प्रदेशों में इस दवा को बैन कर दिया है, कई जगह यह भी कहा गया कि अगर दवा बिकी तो बाबा रामदेव को जेल जाना होगा। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विश्वनाथ कुंवर हमारे साथ मौजूद हैं। विश्वनाथ, क्या लगता नहीं आपको ये जल्दबाजी हो गई है, क्योंकि अभी तो दवा मार्केट में आई नहीं है बिकने के लिए, आयुष मंत्रालय खुद रोक चुका है, रोक लगा चुका है, इस पर प्रतिबंध लगा चुका है? देखिए, कोरोना संकट जब से आया है, बाबा रामदेव पतंजलि बड़ी कंपनी है, छोटे छोटे स्तरों पे भी आप देखेंगे तमाम दावे हुए, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि बाबा रामदेव ने दवा बना दिया और दवा लॉन्च भी कर दिया। बाबा रामदेव एक अपनी TRP लेने के लिए और उस TRP से पूरे देश को भ्रमित करने के लिए, और उस चूँकि कोरोना संकट इतना गहरा संकट है कि लोग डरे हुए हैं,
और इस डर में कोई भी ऑप्शन दिखता है तो उसको लोग फॉलो करते हैं। तो हमारा आयुष मंत्रालय से मान्यता है कि नहीं है, इस विषय पे बाबा बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। बाबा को मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष अभी ये दवा का रखना ही नहीं चाहिए। पहले उनको अपनी दवा आयुष मंत्रालय से परमिशन लेकर के, अपने जो भी परीक्षण है वो परीक्षण करके, आयुष मंत्रालय से मान्यता लेकर के, उसके बाद जनता के बीच आए होते तो बात ये समझ में आती। तो बाबा एक टीआरपी लेने के लिए और जनता को एक जनता के डर का फायदा उठाने के लिए, वही तो हम कह रहे हैं, डर का ये फायदा उठाना। जैसे बाबा रामदेव ने दवा जो बनाई है, उनके दावे हैं, उसका सच तो सामने आना तय है। आयुष मंत्रालय भी कह चुका है, उनकी तरफ से भी दावे, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो भी पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर इतनी जल्दी आपकी तरफ से दावे क्यों किए जा रहे हैं कि तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा? क्योंकि अभी तो कई सारी दवा हैं जिनसे ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में वायरस पहुंच रहा है। बिल्कुल देखिए, जी जी देखिए, बिल्कुल यह स्पष्ट है कि जिस समय देश की जनता, पूरे विश्व की जनता कोरोना से डरी हुई है, उस समय भ्रामक अफवाह फैलाना एक अपराध नहीं है तो क्या है? एक बात बताइए, ये एक अपराधी है ना कि बिना किसी मंत्रालय के मान्यता के, बिना किसी उस तरीके के दावे के कि उस तरीके से कितना कोरोना ठीक होता है, और आप जनता के बीच उसको लेकर आ जाते हैं मीडिया के माध्यम से या अपने टीआरपी लेने के लिए, तो ये एक तरह के अपराध कर रहे हैं ना आप, जनता को भ्रमित करने का एक अपराध कर रहे हैं आप, कि जनता उस डर में भ्रामक स्थिति में उस दवा को खरीदे और आपकी सेलिंग चालू हो जाए। इस पे तो तत्काल रोक लगना चाहिए और बाबा रामदेव की इस करतूत पे निश्चित रूप से ठीक है। मैं आपके पास लौट रहा हूँ और हमारे साथ हाफिज साहब भी हैं, उनसे भी सवाल लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं इसकी सच्चाई तो सामने आ जाएगी, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ दावा है या इसके पीछे की हकीकत और कुछ भी है? एक छोटा सा ब्रेक। देखिए मृदुल जी, जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा उसका डायरेक्ट आंसर ये है कि शायद किया है, क्योंकि एक हमारा एक्ट है ड्रग एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट ऑफ 1954, जिसमें एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है, यानी कि बगैर वारंट के भी अरेस्ट हो सकती है। तो आप इस तरह का कोई दावा नहीं कर सकते जो कि भ्रामक दावा हो, और ये 1954 का एक्ट है जो पार्लियामेंट से पहले पास है। अब मैं आता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। देखिए, मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जो कोरोना पैंडेमिक है ये पूरे विश्व में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है, और पूरे पूरे पूरी दुनिया इससे जो है परेशान है कहीं ना कहीं। 110 जगह जो लैब्स हैं अलग अलग देशों में इस पर रिसर्च कर रही हैं, और ये रिसर्च जो है डिफरेंट जो है स्टेजेस में है, कहीं पर ह्यूमन ट्रायल है, कहीं पर लैब में अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो कोई भी दावा नहीं कर रहा है कि इसकी हमने दवाई बना ली है या वैक्सीन बना लिया है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सितंबर अक्टूबर में ये कोई वैक्सीन आ सकती है जो अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या बाबा रामदेव इस को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। देखिए, जो उनकी कंपनी है पतंजलि बिल्कुल बना सकती है, लेकिन जो उसके सेट प्रोसीजर्स हैं, जहां जहां से अप्रूवल लेने हैं वो उनको भी लेने पड़ेंगे, और ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि बगैर अप्रूवल के कोई भी दवा लॉन्च नहीं की जा सकती। अब्दुल हाफिज गांधी, मेरा सवाल यही है, आप देखिए कि अगर बाबा रामदेव ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने परमिशन ली, उन्होंने तमाम गाइडलाइंस का फॉलो किया, तो सवाल ये उठता है कि जहां जिस प्रदेश में बन रही है, उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड है, तो वहां पर क्या आयुष मंत्रालय को इस बात की खबर नहीं हुई? क्या सर्दी जुकाम का लाइसेंस लेके कोरोना की दवा बना दी गई? क्या ऐसा वाकई पॉसिबल है लगता है आपको? देखिए मृदुल जी, अगर आप जो लाइसेंसिंग ऑफिसर हैं उत्तराखंड के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, उनका साफ कहना है कि जब लाइसेंस अप्लाई किया गया तो इम्यूनिटी बूस्टर बुखार और खांसी के लिए किया गया, वहां पर कोरोना वायरस का कोई जिक्र नहीं था। दूसरा, आईसीएमआर ने कहा है कि उनको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। ठीक। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कहा है कि उनको उनके पास किसी तरह का अप्रूवल नहीं लिया गया है। तो यहां पर बहुत बड़ा सवाल उठता है पतंजलि की मंशा पर कि कहीं से भी आपने अप्रूवल नहीं लिया, और बगैर अप्रूवल के अगर आप इतने बड़े तामझाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा करते हैं कि हमने कोरोना की दवाई बना ली है, तो मैं समझता हूं कि ये कोरोना जैसा जो पेंडेमिक है, एक महामारी पूरे विश्व में आई हुई है, उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाने जैसा है। ठीक। तो अब एक सवाल और, फायदा नहीं सर, एक आम आदमी का सवाल मैं करना चाहता हूं। अमित पुरी साहब, आपसे इसका जवाब मैं लेना चाहता हूं, बाकी हम डॉक्टर अजीत से भी इसके बारे में पूछेंगे, डॉक्टर वीरेंद्र से भी पूछेंगे। अमित पुरी साहब, क्योंकि सीधे आरोप बीजेपी की सरकार पर भी लग रहे हैं, बीजेपी की सरकार पर कई तरह से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत ढिलाई बरती गई, क्या आपको लगता है ऐसा हुआ?
देखिए मैं इस पे नहीं कहता कि किस कौन क्या आरोप लगा रहा है, वो लगा सकता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है और लोगों के अपने परसेप्शंस है, वो अपने हिसाब से ओपिनियन फ्रेम कर सकते हैं। एक सरकार का बुनियादी काम क्या होता है? आप कोई इनोवेटिव रिसर्च कर रहे थे, कहीं कुछ करते गए, लैब्स के अंदर आपको कुछ और चीज मिल गई, आपने कोई क्लिनिकल ट्रायल किए, 100 पेशेंट्स पे किए, वो माइल्ड थे, सीवियर थे, क्या नहीं थे, ये सब एक मैटर ऑफ रिसर्च, ठीक। लेकिन एक गवर्नमेंट का बुनियादी फर्ज यह है कि जो एक्ट्स प्रोमुलगेटेड है, जो एक्ट इन्फोर्समेंट में है, उन एक्ट्स के हिसाब से ड्रग की मार्केटिंग करना, उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करना, उसकी क्लिनिकल स्टडी करना, उसकी लॉन्चिंग करना, ये सब एक सेट प्रोसीजर है। और गवर्नमेंट ऑफ द डी डे जो है वो इस बात के लिए जवाबदेह है और जिम्मेदार है कि वो उनका पालन कराए। और जैसे ही इसका पब्लिक आपने फोरा पे अनाउंस किया कि साहब हमने ये काम किया है, हमने उन प्रोसीजर्स को देखा, हमें लगा कि वो प्रोसीजर्स पूरे नहीं है एक मिनट के लिए, और अगर है तो आप सफिशियंट प्रूफ फर्निश करें, अगर वो प्रूफ्स है तो ठीक है आगे प्रोसीड किया जाएगा, और अगर वो प्रूफ्स नहीं है तो यू विल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, दैट्स ऑल, प्लेन एंड सिंपल थिंग। तो हमने पब्लिक हेल्थ के साथ या किसी ऐसे इशू पे जो रूल्स हैं उन इनएक्टेड रूल्स के खिलाफ जाने की किसी को कहीं नहीं दी। तो लैचेस का क्वेश्चन तो तब आता है कि जब आपने ढिलाई तब बरती होती, जब आपने आंखें मूंदी होती, या कर जैसे ही अनाउंसमेंट आया उस फोरम से जिसे पातंजलि, सवाल वही है अमित पुरी जी, हमने उन अमित पुरी जी, मैं ठीक है आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि जब अप्रूवल हो जाता है, जब लॉन्चिंग हो जाती है बड़े प्लेटफॉर्म पर और ये बताया जाता है कि हम इतने बजे इसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं, तब जाकर आंख खुलती है, सवाल ये भी ना पहले क्यों नहीं जानकारी मिली? भाई आप अपनी लैब्स के अंदर क्या ट्रायल कर रहे हैं, क्या कोलैबोरेशंस किया है, आपने उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, आपके बोर्डरूम में एक डिस्कशन होता है कि आज हमको शाम को ये डिबेट करनी है, ठीक। जब हम जैसे मित्रों को आप फोन करके कहते हैं कि आज शाम को इस पे बात करनी है, हम अपने अपने विचार लेकर के आते, लेकिन बोर्डरूम में अगर हमारी एक्सेस होगी, आपने किस बुखार की दवा के लिए लिया, गले की दवा के लिए लिया, वो वायरल्स के लिए लिया या बैक्टीरियल्स के लिए लिया, क्या परमिशन लेकर के आपने क्या ट्रायल्स किया और उसके अंदर आपको आगे फर्दर क्या इनोवेटिव चीजें मिली? अमित पुरी जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, करके आओगे मैं सहमत हूं, लेकिन जब सर्दी और जुकाम के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। नहीं, आप सवाल कीजिएगा, आप सवाल कीजिएगा और अगर मेरी क्षमता होगी तो मैं उत्तर भी दूंगा बिल्कुल, लेकिन पहले मृदुल जी के सवाल का जवाब दूं। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, सवाल है मृदुल जी, एक सेकंड अब्दुल हाफिज गांधी मैं आपके पास लौट रहा हूं। मैं अमित पुरी जी यही जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि क्या अंदर चल रहा है ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी लैब चल रही है और जो लोगों की जिंदगी को ठीक करने के लिए, कोई भी बीमारी उसे ठीक करने के लिए वहां पर दवा का ट्रायल होता है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि आयुष मंत्रालय को भी इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए थी, या जो हम कह सकते हैं कि ऑडिट हो जाए कि वहां पर कितना कितना क्या क्या काम चल रहा है, ये प्रॉपर होना चाहिए टाइम टू टाइम? अब मैं आता हूं, पातंजलि ने जिन चीजों की परमिशन बाय प्रोसेस ऑफ लॉ ली है उसके अंदर वो काम कर रहे हैं, ठीक। अब लैब्स के अंदर आपने कहा इम्यूनिटी बूस्टर बनाते बनाते, क्योंकि बहुत सा बीच की लाइन का एरिया है, इम्यूनिटी बूस्टर भी कोविड के इलाज के अंदर एक तरीके से डेटरेंट की तरह काम करता है कि और एक हेल्प करता है कि भाई कोविड की सिचुएशन में पेशेंट्स को लाभ मिले। आपकी रिसर्च कहां पर जाकर के पहुंची, या तो आप हमसे बताते कि हम एक और भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ क्या ये कोविड के इलाज के लिए काम दे सकती है, हम इसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, इसकी हमें परमिशन दीजिए, एक सेट प्रोसीजर्स जो है, क्या मटेरियल यूज होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर आयुष में एक और भी संदर्भ है, ये सारी रिसर्चेज जो होती है ये आयुर्वेद के किसी ग्रंथ से संदर्भित होती है, उसके रेफरेंसेस भी आपको देने रहते हैं। तो अब गिलोई से लेकर अश्वगंधा तक ये तमाम तर चीजों में इस प्रयोग में आ रही है, इसको लेकर अमित पुरी जी कोविड के इलाज की दवा मैं आपकी बात मान रहा हूं, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है उनका उपयोग किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो काढ़े भी बंटवाए थे, ये हम आपको बता दें जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने काढ़े भी बंटवाए ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्ट होते होते दवा कैसे बन गई? अब्दुल हाफिज गांधी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे मैं पहले जवाब ले लेता हूं, फिर डॉक्टर अजीत के पास जा रहा हूं। स्वागत 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 कहिए हाफिज साहब। जी
देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि आयुष डिपार्टमेंट ने तब एक्ट किया जब पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि हमने दवाई बना ली और 100% रिकवरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पतंजलि के सीईओ हैं आचार्य बालकृष्णन जी, उन्होंने करीब एक हफ्ता पहले ये दावा किया था कि हमने इसकी दवाई बना ली है, यानी लॉन्चिंग से एक हफ्ता पहले उन्होंने दावा किया था। क्या आयुष डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनसे पूछा जाता कि आपने ये दावा किस बिना पर कर रहे हैं? जब कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, तब आयुष डिपार्टमेंट एक्ट किया, तब जो है उत्तराखंड का जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उसने एक्ट किया, तब जो है आईसीएमआर ने, विश्वनाथ जी आ रहा हूं एक सेकंड, इससे पहले क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही थी? मैं अमित पुरी साहब छोटा रखिएगा जी, कहिए कहिए, जवाब दे दीजिए। बहुत छोटा, संक्षेप तीन पंक्ति के अंदर अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 100-125 नेशंस जिसमें नीचे से लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट तक एन नंबर ऑफ टाइम्स कह चुके हैं कि साहब कोविड की दवाई हम लोगों ने इजाद कर लिया, वी आर अबाउट टू रीच, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए। ऐसी स्थितियां कोविड के संदर्भ में वर्ल्ड वाइड लोग अपनी रिसर्चेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन स्पेसिफिकली जब कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक डोमेन में आता है और कहता है कि लुक हियर, ये हमारी कोरोनिल है, ये कोविड की दवा है, तब जाकर के आप एक्ट तो होगा, एक्शन तो होगा, तब आप उसके खिलाफ देखेंगे कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स गो बाय किए गए कि उसके इन कॉन्सोनेंस विद रूल्स काम किया गया है। तो पहले एक्ट तो होने दीजिए। वही अमित पुरी जी, देखिए अमित पुरी जी, बहुत सारी बात मुझे मार, बहुत सारी बात है ना, यही चीज है कि एक दवा तैयार हो जाती है, उसका नाम डिसाइड हो जाता है, बराबर पैकिंग हो जाती है, क्या किसी को खबर नहीं होती। पब्लिक डोमेन में आए कि हमने ये काम कर दिया, तो हमने कहा भाई ये सारी चीजें आपने की है कि नहीं की है, हमको बताइए। जिससे मैं एक छोटा कमेंट डॉक्टर अजीत गौरेला से लेना चाहता हूँ, सारे नियम कायदे कानून माने गए हैं। अजीत गैरोला जी हमारे साथ हैं, अजीत गैरोला जी हमें बताएंगे प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन अजीत जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हफ्ता भर पहले अगर जानकारी थी तो फिर क्यों नहीं देखा गया? इतनी बड़ी महामारी पैंडेमिक को लेकर एक दवा बना दी जाती है, दावा किया जाता है, तो हफ्ते भर पहले क्यों नहीं देखा गया? लॉन्चिंग के बाद ही क्यों याद आई? नहीं देखिए, ऐसा है कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, कानून है, तो उसकी एक तय प्रक्रिया है, और जो लोग जिन लोगों ने ये दावा किया है उनको जिम्मेदारी से एक अपनी भावना को समझना चाहिए था, और जब उनके पास कोई पूरा प्रमाण होता तभी जनता के सामने जाना चाहिए था, वो जनता के सामने आ गए। लेकिन डॉक्टर अजीत, डॉक्टर अजीत, लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, डॉक्टर अजीत कह दिया कि मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं बीच में, हाँ। क्योंकि लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी तक तो कोरोना की कोई दवा नहीं आई है जो बाकायदा डेडिकेटेड हो कोविड 19 के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोग ठीक हो रहे हैं। उनका कहना है कि क्या वाकई ट्रायल के तौर पर इसे देखा जा सकता है? ऐसे दावों को हम सच मान सकते? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोरोना अपने आप में एक ऐसा वायरस है जिसपे कि या तो आपके अंदर बीमारी होगी और कोई लक्षण होंगे ही नहीं, दूसरा बीमार वो होगा जिसमें कि माइल्ड सिम्टम होंगे, हल्का फुल्का खांसी जुकाम बुखार होगा, लेकिन जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि वेंटिलेटर्स पे जाना होता है, पेशेंट सीरियस हो जाता है, डेथ की संभावना होती है, वो 2% रोगी है, तो दवा तब मानी जाएगी जो कि उन सीरियस पेशेंट्स को बचा ले, क्योंकि ये लोग तो अगर दवाई खाएंगे, ये काढ़ा पिएंगे, चाहे ये एंटीवायरल ड्रग लेंगे, चाहे कुछ भी लेंगे, ये तो ठीक हो ही रहे। तो इस बीमारी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वायरस की मॉर्टिलिटी दर बहुत कम है, 2% का ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात। हम लोग अभी जो बचे हुए हैं इतने लोग, और अब 4,80,000 लोग हो गए, और 15,000 आप के बताते हैं कि आपकी मॉर्टिलिटी हुई, अपने हमारे उत्तराखंड में भी करीब 2500 केस से ज्यादा हो गए, हमारे 30 लोग हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी भी। तो मॉर्बिडिटी दो चीजें होती हैं, एक होती है बीमारी मॉर्बिडिटी, कितने लोगों को बीमारी हुई, और दूसरा होता है मॉर्टिलिटी, कितने लोगों को डेथ हुई। तो इस बीमारी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है, तो एक भय का वातावरण से बन गया। डॉक्टर जी, तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग इस भय का फायदा उठाते हैं। सर, हम एक लगातार फेसबुक के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आम लोगों का सवाल है, उनका कहना है डॉक्टर्स भी अभी तक कोई दवा नहीं बना पाए हैं, लेकिन डेडिकेटेड है, वो काम कर रहे हैं, कोई ना कोई दवा दी जाती है, चाहे वो विटामिन की हो, वाइटामिन की हो, या फिर
जो तमाम दवाएं, जैसे आपने अजीथ्रोमाइसिन का जिक्र किया और भी दवाएं हैं जो दी जा रही जिनसे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पतंजलि भी यही दावा कर रहा है कि हम ये जड़ी बूटी मिला रहे हैं और ये एक बात जी जी कहिए डॉक्टर अजीत कहिए आप विश्वनाथ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आदमी बीमारी से घबराया हुआ होता है तो उसको कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन मिल जाता है, चाहे कोई कहता है झाड़ फूक करा लो, कोई कहता है ये खा लो, कोई आपने देखा आदमी कराता है। जब आप बीमार पड़ते आपको 10 तरह की सलाह मिलने लगती है और डर तो पता है वो डर के बाद ये किया जाता है। आप डरे हुए हैं अब डरे में लोग किसी ने अचानक कोई आदमी सामने आता है कि मैंने तो दवाई बना ली ये खा लो ट्रायल कर लो, लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप जब दवाई बना रहे हैं दवाई दे रहे हैं तो आप विश्वसनीय हैं, आप पूरे लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उस विश्वास को बनाए रखें और भ्रम की स्थिति पैदा न करें। ये ना हो कि जैसे कई बार कहा जाता है कि संजीवनी बूटी बन गई, किसी ने देखा नहीं संजीवनी बूटी का असर क्या हुआ, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। यही ये चीजें बिल्कुल मैं डॉक्टर वीरेंद्र के पास भी इसी सवाल के साथ जा रहा हूं। डॉक्टर जी जो बात आप बता रहे हैं, आपका कहना है कि डर के बाद लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर वीरेंद्र अभी हमें जल्दबाजी में इस बात को मान लेना चाहिए कि बाबा रामदेव ने ऐसी कोई दवा बनाई नहीं, दरअसल वो इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं, या फिर वाकई ये पतंजलि का जो दावा है वो सही है, इसके लिए इंतजार करना चाहिए? देखिए जहां तक कोरोना का असल दवा एक अलग चीज है और कोरोना बीमारी को समझना अलग चीज है। जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो कई तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, माइल्ड केसेस बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो कोरोना में उन मरीजों को आ रही है जो कोमॉर्बिड इलनेस, जैसे कि वो इम्यूनिटी उनकी कम है, कोई डायबिटीज साथ में है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, या कोई ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स खा रहे हैं, वो मॉर्टेलिटी उनमें ज्यादा देखी गई है। तो इसलिए क्योंकि ये कहना कि कोई भी दवाई इस समय किस स्टेज पे काम कर रही है, देखिए इम्यूनिटी तो सभी आदमी की, एक इम्यूनिटी बेसिक नीड है हमारी बॉडी की किसी भी वायरल इन्फेक्शन से लड़ने की, वो भले ही कोरोना हो या कोई और इन्फेक्शन हो, जैसे कि हम इन्फ्लुएंजा से लड़ते हैं अपनी इम्यूनिटी से लड़ लेते हैं या और कोई इन्फेक्शन से लड़ लेते हैं। तो इसलिए कोई भी दवाई का दावा तो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए और ऑथेंटिक उसका जो प्रोटोकॉल है अगर उसको फॉलो हो रहा है तो ठीक है, दावा सही है और उसमें सब प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो होने का एक तरीका होता है, वो सब पॉइंट्स अगर फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं। मगर अगर ये कहें कि कोरोना के लिए कोई दवाई है, दवाई तो कोरोना में अभी इतनी जगह शोध चल रहा है, कोई अभी दवाई वैसे तो एंटीवायरल ड्रग्स नहीं आई क्योंकि एक वायरस है तो हमें एंटीवायरल ड्रग चाहिए। इम्यूनो बूस्टर तो हम ये भी कहते हैं विटामिन सी खाइए या फिर आप अपना पौष्टिक आहार खाइए, वो भी इम्यूनो बूस्टर होता है। यंग्स में कम होता है क्योंकि उनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये सब क्राइटेरिया एक अलग क्राइटेरिया है। जहां तक किसी दवाई का सवाल होता है जिसको कि आपको किसी एक मनुष्य को देना है, ह्यूमन बीइंग्स को देना है, तो उसके जो रिसर्च एंड आरएनडी जो रिसर्च प्रोटोकॉल्स है वो भाई आयुष के हो, आईसीएमआर के हो, डीसीजीआई की अप्रूवल हो, वो सब प्रोटोकॉल्स पूरे होने ही चाहिए और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है और वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद वो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। उन ट्रायल्स में जब वो अच्छी निकलती है डॉक्टर वीरेंद्र देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब इतनी सारी गाइडलाइंस बना दी गई हैं, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो ग्रंथ भी होना चाहिए, उससे लीड लेनी पड़ती है, उसके बाद आप आगे के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो गया और आयुष मंत्रालय को अब पता चल रहा है कि उन्होंने तो परमिशन सर्दी जुकाम के लिए थी और बना दी कोरोना की दवा। विश्वनाथ हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ बीच में। विश्वनाथ अब अपनी बात कहिए आप। देखिए एक बात स्पष्ट कर दो, एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आयुष मंत्रालय को खबर तब लगता है, इम्यूनिटी बूस्टर की दवा का परमिशन लेते हैं बाबा जी और उसके बाद इतना बड़ा दवा कोरोना संकट जो पूरे देश पे पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी दवा का निर्माण कर देते हैं जिसकी खबर आयुष मंत्रालय को नहीं रहती है। 7 दिन पहले दावा किया जाता है बालकृष्णन जी द्वारा कि दवा बन चुकी है, उसके बाद बकायदे समय देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद सरकार के कान खड़े होते हैं कि इतना बड़ा दवा कैसे हो गया और दवा कैसे बन गई। कहीं ना कहीं से सरकार की पूरी तरीके से इसमें विफलता नजर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यदि सरकार इतने बड़ा दावा यदि अगर हम विफलता को विफलता आप कह रहे हैं सरकार की विफलता, लेकिन सरकार ने इसे मार्केट में जाने नहीं दिया, तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार पहले ही रोक लगा देती? लेकिन सरकार ने कार्रवाई क्या हुआ? देखिए
नहीं नहीं देखिए प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई क्या की? नहीं अफवाह का अभिप्राय नहीं हुआ ना सर, ये प्रश्न उठता है पतंजलि की तरफ से जो दावे किए गए विश्वनाथ जी, वही तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे थोड़ी देर पहले बता रहे थे, पतंजलि की तरफ से जो दावे किए गए हैं वो अपने दावे पर अभी भी बरकरार है। उनका कहना है कि हमने तमाम पैमानों पर खरा उतर के दवा तैयार की। नहीं इसका इसका मतलब है कि कोई भी भारत में आ रहा हूं पुरी साहब, इसके बाद आपके पास सरकार अपने अपने दावे करते रहे और सरकार नहीं कोई भी मतलब रामदेव जी ही नहीं कोई, इसका मतलब है कि कोई भी बड़े बड़े दावे बनाने के करते रहे दवा और सरकार अपना बैठकर उस पर देखती रहे बिना पहले आयुष मंत्रालय से उनको परमिशन लेकर। आयुष मंत्रालय जब पुष्टि कर देता कि नहीं ये दवा परफेक्ट है और लोगों पे काम करेगी, इस दवा को चलाना सही है, तो उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होता उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले उनका कोई तमाम तरीके के जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाता, परमिशन ली जाती, उसके बाद आप जनता के सामने घर घर जाके बांटते, कोई मना नहीं कर रहा है। पुरी साहब सवाल यही बोल रहे हैं कि सरकार की विफलता इसमें है कि एकाएक रातों रात दवा थोड़ी तैयार हो जाएगी, पहले से परमिशन तो ली होगी, कुछ ना कुछ तो पता होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। जी जी जो चीजें जवाब दे रहे हैं विश्वनाथ जी अमित पुरी जी, ये कहले तो मैं कहूं कि नहीं तो रन ओवर होगा। नहीं नहीं मैं वही कह रहा हूं विश्वनाथ जी, एक सेकंड रुकिए, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं अमित पुरी साहब जी। पुरी साहब कहिए। एक शब्द कांग्रेस के मित्र ने कहा कि बाबा रामदेव ने अफवाह फैलाई। आप अगर स्मरण करेंगे तो मैंने इस बहस की शुरुआत में कहा था हम जो पॉलिटिकल फेसेस हैं वो इसकी मेडिसिन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, इफेक्टिविटी के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल्स पे, क्लिनिकल स्टडी पर, और चूंकि मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट हूं इसलिए मैं कह सकता हूं इस दवा की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर हम टिप्पणी करने के लिए अधिकृत इसलिए नहीं है कि हमारा ज्ञान वो नहीं है। कांग्रेस को कैसे लग गया कि अफवाह हो गई? क्या इस दवा का कहीं ट्रायल कांग्रेस के किसी मित्र पे किया गया और रिजल्ट ठीक नहीं आया, ऐसा क्या कहीं परिस्थिति हुई हो तो जरा हमको बता दे कुंवर साहब। मतलब देखिए रामदेव जी से कांग्रेस की मित्रता जग जाहिर है, बाबा रामदेव के दावे सही हैं। सरकार ये मान रही है कि प्रोसीजर्स की चीजें अगर आपने फॉलो की है तो इसे पब्लिक एट लार्ज पब्लिक डोमेन में लाइए जिससे कि जन सामान्य के बीच में यह प्रमाणिकता के साथ सूचना हो। भारत के अंदर कोई दवा लॉन्च होगी किसी भी बीमारी की तरीके से मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया, सरकार ने कार्रवाई क्या किया, इसका जवाब आपके पास है? डॉक्टर के हिसाब से प्रक्रिया है वो, यही तो बोल रहे विश्वनाथ जी, तभी जो सरकार मौजूदा है वो इसकी अनुमति दे सकती है। इसकी सवाल है इनसे पूछिए सरकार ने कार्रवाई क्या की, या तो सरकार मान ले कि बाबा रामदेव सही है या तो बाबा रामदेव गलत है, तो सरकार ने कार्रवाई क्या की इसका प्रश्न। लेकिन आलोचना के तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यह आलोचना नहीं है, जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए, जनता की भावनाओं के चीजों की नहीं गया था। साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए अमित पुरी साहब और विश्वनाथ जी बिल्कुल दो बातें हैं, ये आपको भी जान लेना चाहिए और जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी जान लें कि अभी अभी इस मसले को लेकर मैं वही कह रहा हूं, अगर आयुष मंत्रालय इससे परमिशन दे देगा, उनके दावे सही नहीं है तो सरकार कार्रवाई करे, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, तब की जाएगी जब आयुष मंत्रालय कह देगा कि हमारे पैमानों पर खरा नहीं उतरती ये दवा। प्रक्रिया में नहीं है, मैं वही कह रहा हूं विश्वनाथ जी, अगर पैमानों पर खरी नहीं उतरेगी दवा तो कार्रवाई भी की जाएगी। हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद हम डॉक्टर अजीत से कमेंट लेंगे जी। हाफिज जी कहिए। मृदुल जी मैं एक शब्द कहना चाहूंगा, अफवाह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परमिशन इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गई थी और आप इसको जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये कोरोना की दवा है। हाफिज साहब देखिए पतंजलि का पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये सर हम लगातार फैक्ट बता रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है नहीं बोल रहा था, मुझे बोलने क्या चाहिए, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जब आप क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको आयुष डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है, तो आयुष डिपार्टमेंट को खबर थी कि इस तरह का कुछ चल रहा है और जब एक हफ्ता पहले यह कहा गया कि हमने दवा बना ली है तो क्या आयुष डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? सर वही तो सवाल है, पूछते कि आपने क्या बना लिया है। मैं हाफिज साहब आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूं, ट्रायल है उसके कागजात दीजिए, प्रूफ। आपकी बात ठीक है, आयुष मंत्रालय को खबर थी, लेकिन अगर आयुष मंत्रालय को कुछ नहीं बोलना था तो वो अब जाकर भी नहीं बोलते। अगर दाल में वहां पर कुछ काला होता तो आयुष मंत्रालय अपने पांव आगे बढ़ाता ही नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कैसे आप इसलिए कैसे खड़ी हुई हाफिज साहब कि हमने दवा बना ली है पब्लिक डोमेन में आप आए, तब सरकार एक्ट होगी, तो पहले एक्ट होगा तब ना एक्शन होगा।
और ये जग जाहिर है कि हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनसे किस तरह के रिश्ते हैं रामदेव जी से। अच्छा, और 2013 में किस तरह से प्रचार किया था, 2013 में किन लोगों के लिए प्रचार किया था रामदेव जी, सरकार को तो खामोश हो जाना, किस तरह के पेट्रोल के बारे में बात करते थे, काला धन लाने की बात करते थे, किन लोगों के लिए रामदेव जी काम करते हैं। हाफिज साहब देखिए, अगर काम करना होता है सर, एक सेकंड हाफिज साहब, संबंध नहीं है, हर किसी को पता है वो स्कोर सेटल इसके आड़ में नहीं। रामदेव जी के सत्ता में बैठे हुए लोगों से किस तरह के संबंध हैं ये हर किसी को पता है, ठीक है, इसलिए शायद रामदेव जी को लगता है कि हाफिज साहब यहाँ पर किसी के संबंधों को नहीं देखा जा रहा है, किसी भी पार्टी के कैसे भी संबंध हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सवाल है जान का, सवाल है क्या इस महामारी से देना पाएगी, थोड़ा समय कम है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस खास मुद्दे पर, क्योंकि कोरोना को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि दवा बना दी गई है, लेकिन इस दावे के तर आयुष मंत्रालय ने कह दिया है कि हमने तो कोरोना को लेकर दवा बनाने की परमिशन ही नहीं दी। अब पतंजलि की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर कोरोनिल के जो दावे हैं पतंजलि के उस पर पतंजलि अडिग रहेगा, ये देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर।